अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आपका खैर मकदम करता हूँ एम के न्यूज़ के खबरनामे में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। यहाँ पर जो लोग जिसको रिवॉर्ड और सर्टिफिकेट मिला, मेरे दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ यकीनन हमारी पुलिस जो 6 साल से काम करते आ रही है, बहुत लोग मुझसे बोलते हैं क्योंकि मुझे जो भी मालूम होते हैं, मेरा जो फ़ोन नंबर है, चाहे जब फ़ोन शुरू हुआ जब से आज तक वही नंबर है। 1999 में मैं लिया था, आज तक भी वही नंबर है, हज़ारों लोगों के पास है। जहाँ किसी को प्रॉब्लम होता है तो मुझे बताते हैं, क्योंकि नंबर हर एक के पास कॉमन है। ऐसा नहीं है कि मिस्टर बनने के बाद कोई नंबर चेंज करें। तो मुझे जो अच्छा काम करते हैं वो भी बड़ा मीडिया से अप्रिशिएट होता है। लोग बैठते हैं यहाँ से नहीं, फॉरेन से, दुबई से, सऊदी से फ़ोन करके बोलते हैं, अरे आपके पुलिस वाले हमारे लोगों को फ़ोन करते इमीडिएट आके रिलीफ दिए। मैं कभी भी, पहले भी कभी भी, अगर तुमको सपोर्ट लेना है आपको 100 डायल है आपके पास, मुझे कई फ़ोन करते रहते। कुछ दिन पहले संतोष नगर से फ़ोन आया कि मैं बच्चे को 105 बुखार है, 104 को कर रहा हूँ, अभी एम्बुलेंस दिए। मैं कहा कि आप 100 को फ़ोन कीजिए, आपको विद इन 4 मिनट के अंदर पुलिस आपको आके जो सहायता होगी देखिए, इतना कॉन्फिडेंस हमारी पुलिस में। तेलंगाना की जानिब से जो अन्नपूर्णा मिल्स है उसे अब आवाम में बिल्कुल फ्री में तकसीम किया जा रहा है। माइग्रेंट पीपल है और जो गरीब लोग हैं, जो खाने के लिए परेशान हैं, उन्हें ये अन्नपूर्णा मिल्स बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। जो रोज़ाना सुबह में और शाम में जाकर के उस जगह पर फ्री में खाना खा सकते हैं। कॉरपोरेटर जी मुकेश सिंह की जानिब से ये इंतज़ाम धूलपेट एरिया में किया गया है और उनके इंतज़ामिया का ये रवैया है कि जो लोग घर खाना ले जाना चाहते हैं उनको भी बिलमुशाफा खाना दिया जा रहा है। CHOSD कमिश्नर की जानिब से माइग्रेंट पीपल के लिए फ्री राशन किट तकसीम किए गए। राजेंद्र नगर इलाके में जो लोग MP बिहार से, जो बाहर से मजदूर आकर हैदराबाद में काम कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन फील्ड से हैं, उन्हें GHMC की जानिब से फ्री में राशन किट तकसीम किए। कुछ ऐसे इंजीनियरिंग लॉकडाउन के चलते शहर हैदराबाद में कई मुख्तलिफ इलाकों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर राजेंद्र नगर कॉन्टेस्ट MLA मिर्ज़ा रहमत बेग की जानिब से कई मोहल्लाजात में, कई इलाकों में घर घर जाकर गरीबों की मदद की जा रही है और उन्हें राशन किट तकसीम की जा रही है। और इस मौके पर वार्ड मेंबर मोहम्मद महबूब और एरिया प्रेसिडेंट सैयद हिदायत अली वहाँ पर मौजूद थे। स्टेट की जानिब से माह रमजानुल मुबारक के मौके पर 2000 लोगों के लिए बेहतरीन बिरयानी और इफ्तारी का इंतजाम किया और रोजदारों के घर तक ले जाकर उन्हें घर पर बिरयानी और इफ्तारी तकसीम की गई। इस मौके पर कई लोग उन्हें दुआओं से नवाजा और उनका शुक्रिया अदा किया। ये तो माह रमजानुल मुबारक है, लेकिन लॉकडाउन के चलते हुए पहले ही दिन से एम्पायर स्टेट प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से लोगों में राशन किट और लोगों में इमदाद का सिलसिला जारी और सारी है। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार की हिदायत के बावजूद भी पुलिस मुलाजमीन का अवाम पर जुल्म बरता ही जा रहा है। कहीं लाठियां चल रही हैं तो कहीं अवाम को परेशान किया जा रहा है। MD लाइन में भी रोजेदारों को परेशान किया गया। हैदराबाद की SR नगर पुलिस ने एम्बुलेंस में शराब मुंतकिल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। बालापुर के गणेश और बालाकृष्णा बेगमपेट इलाके से एम्बुलेंस में कैनों में भरकर शराब मुंतकिल कर रहे थे कि पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में कोरोना के शुबे में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। शहर के इलाके रामंतापुर से ताल्लुक रखने वाला 60 साल शख्स काफी दिनों से बीमार था। उसे शुबा हो गया था कि वो मोहलिक वायरस से मुतासिर है। हालांकि घर वाले उसे किंग कोठी हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि वो इस वायरस से मुतासिर नहीं है। बावजूद इसके वो काफी परेशान था। आज उसने अपने रिहायशी अपार्टमेंट की बालकनी से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली।
करीम नगर के एक केनाल में मगरमच्छ नमूदार हुई, जिसे मुकामी अफराद और किसानों ने पकड़कर महकमे जंगलात के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक करीम नगर के मजाफात में वाक़ काकतिया केनाल निज्द इनाडू ऑफिस के पास किसानों ने नहर में एक बड़ी मगरमच्छ देखी और मुकामी अफराद को इसकी इत्तला दी। मुकामी अफराद ने पुलिस और सड़क पर गुजरने वालों की मदद से बड़ी बड़ी रस्सियों का सहारा लेते हुए नहर में मौजूद मगरमच्छ को साहिल पर खींच लाया। उस वक्त काफ़ी मुश्किल पेश आई, बाद अजा मगरमच्छ को अच्छी तरह बांधकर महकमे जंगलात के हवाले कर दिया गया। मुल्क भर में कोरोना वायरस COVID-19 वबा से मुतासरीन की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस के 2,293 नए केसेस सामने आए हैं और 71 मरीजों की मौत के बाद हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 1,218 हो गई है। मुल्क की अलग अलग रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कोरोना वायरस के अब तक कुल 37,336 केसेस की तस्दीक हुई है, जिनमें 111 गैर मुल्की मरीज़ भी शामिल हैं। कोरोना वायरस से मुतासर अफराद के सेहतमंद होने की रफ्तार भी तेज हुई है और गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से मुतासिर 1,062 अफराद के सेहतमंद होने के साथ ही ऐसे लोगों की तादाद 9,951 तक पहुंच गई है। वजारत सेहत की जानिब से हफ्ते की सुबह जारी ताज़ा तरीन इदादोशुमार के मुताबिक कोरोना वायरस का फैलाव मुल्क की 32 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में हो चुका है। कोरोना वायरस से सबसे शदीद मुतासिर रियासत महाराष्ट्र है, जहाँ हालात मुसलसल तशवीशनाक होते जा रहे हैं और गुज़िश्ता एक दिन में 1,008 नए केसेस के बाद रियासत में मुतासरीन की तादाद 11,506 तक पहुंच गई है और इस दौरान 26 मजीद लोगों की मौत के बाद इस वबा से हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 485 हो गई है। वहीं रियासत में 1,879 मुतासिर मरीज ठीक हो चुके हैं। गुजरात गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 326 नए केसेस सामने आने के साथ ही मुतासरीन की तादाद के मामले में दूसरे मुकाम पर बरकरार है। गुजरात में मुतासरीन की मजमूई तादाद 4,721 हो गई है और 22 मजीद अफराद की मौत के बाद हलाक शुदगान की तादाद 236 तक पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली अकलियती कमीशन के सदर नशीन डॉक्टर जफरुल इस्लाम खां के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया है। जफरुल इस्लाम खां पर सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज तबसरे करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। दिल्ली स्पेशल पुलिस के जॉइंट CPL नीरज ठाकुर ने बताया कि ये मामला दिल्ली के वसंत कुंज इलाके के एक शख्स के जरिए दिल्ली पुलिस में दर्ज शिकायत के तहत IPC के सेक्शन 124A और 153A के तहत दर्ज किया गया है। वसंत कुंज के रिहायशी ने पुलिस से शिकायत की है कि दिल्ली अकलियती कमीशन के सदर नशीन जफरुल इस्लाम खां की 28 अप्रैल को ट्विटर और फेसबुक पर शाया होने वाली पोस्ट फिरका वाराना तशद्दुद को हवा देने के मुतरादिफ है। इस मामले के जफरुल इस्लाम खां ने सोशल मीडिया पर शाया की गई पोस्ट के लिए माजरत का ऐलान कर दिया है। इसके बावजूद पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। इसी दौरान जफरुल इस्लाम खां ने कहा कि वो FIR की कापी मिलने के बाद ही इस मामले पर तबसरा करेंगे। इंदौर में लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा बंदिशें लगाई गई हैं। लोगों को गुज़िश्ता 40 दिन से ना फल खाने को मिले हैं और ना ही सब्जियां। लोग बहुत परेशान हो गए हैं। उनमें से ख़ास तौर पर बाहर से आकर पढ़ाई करने वाले हॉस्टल में रहकर मुसाबिकती इम्तहानात की तैयारी कर रहे तलबा व तालिबात हैं। उनमें बाहर से नौकरी करने आए लोग भी हैं, जिनकी फैमिली गाँव या दूसरे शहरों में रहती हैं। 40 दिन के लॉकडाउन से वो तंग आ चुके हैं और किसी भी तरह इंदौर से निकलना चाहते हैं। उन लोगों के सामने खाने पीने की बड़ी परेशानी आ रही है। उनकी ज़िंदगी दूसरों के भरोसे चल रही है। अब लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए मजीद बढ़ा दिया गया है तो उनके सब्र का पैमाना टूट गया है। इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने इंदौर में फंसे लोगों को फहरिस्त तैयार करने के लिए सरकारी वेबसाइट पर तफसीलात देने को कहा तो गुज़िश्ता 3 दिन में 50,000 से ज़ायद लोगों ने अपनी अर्जी लगा दी। शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग इन ब्रेन डेड होने और हार्ट सर्जरी के दौरान मौत होने जैसी खयास आराइयों के दरमियान जुमा को अवामी तौर पर लोगों के सामने आ गए। शुमाली कोरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने इस बात की इत्तला देते हुए बताया कि किम 20 दिनों के बाद एक मरतबा फिर लोगों के बीच पहुँचे और उनसे बातचीत भी की। कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक किम जोंग इन प्योंगयांग के काफ़ी नज़दीक बनी एक फर्टिलाइज़र फैक्ट्री का काम पूरा होने के मौके पर वहाँ पहुँचे थे। इस दौरान
दौरान किम की बहन किम यू जोंग भी उनके साथ मौजूद थी। हालांकि शुमाली कोरिया की मीडिया ने उनके इस प्रोग्राम को बराह रास्त तौर पर नशर भी किया था। KCNA के मुताबिक किम जोंग के इस तरह आवाम के सामने आने से उनकी सेहत को लेकर उठाए गए सभी सवालों के जवाब मिल गए हैं। सुप्रीम लीडर जो कि शुमाली कोरिया में सभी लोगों के लीडर हैं ने फैक्ट्री का इफ्तिताह करके कई लोगों की जिंदगी बेहतर की है। किम की जो तस्वीरें जारी की गई हैं उनमें वो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। किम ने इस पूरे प्लांट का दौरा भी किया और कई लोगों से मुलाकात भी की। इसी के साथ MK News का इख्तिताम होता है। हमारी मुलाकात अगले बुलेटिन में।